से कई वर्ष पहले की बात है, मल्हान परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। देखते ही उसके पापा ने बोला, क्या नाम रखे? नोनू कैसा रहेगा? नोनू? हाँ अच्छा है। ओए नोनू, नोनू मेरा बच्चा। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 12th में हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए। अच्छे से पढ़ना बेटा, जिससे सब शर्मा जी के बेटे की जगह मल्हान साहब के बेटे की बात करे। ओके पापा, ओके मम्मी, चलो अब मुझे पढ़ने दो। लेकिन बेचारे नोनू को क्या पता था कि सबको इंतजार तो बस एक ही दिन का था, द रिजल्ट डे। नोनू यार, इतनी गहरी नींद कौन सोता है यार, उठ। मेरे से नहीं होता, आप ही कुछ करो। निश्चित? यस पापा। बेटा रिजल्ट आ गया, चेक करो। और शर्मा जी के लड़के से 95% मार्क्स आए हैं। अभी फ्रेश होकर आया फिर करता हूँ पापा। भाई भाई रिजल्ट तो बता दो। अरे कुछ नहीं दीदी, जिसको देखो बस एक ही चीज जाननी है, मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, बस सबको एक ही चीज पूछनी है यार। छोड़ो, तेरे रीजन बता। आपको भी बस रिजल्ट My result. 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 My result. My result. 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 80% is right. 80% percentage. Result. 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 और उस दिन नोनू ने यह निश्चय किया कि वो बड़ा होके रिजल्ट्स के खिलाफ एक रोस्ट निकालेगा। बस तब से नोनू को सब ट्रिगर्ड के नाम से जानते हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स की। लॉजिक, आईक्यू और अच्छा सब कुछ डाला, आदर्श स्कूल के बच्चों को बनाने के लिए इन चीजों को चुना गया था। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इस रहस्यमय रचना में प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे से अनजाने में एक और चीज भी गिर गई, केमिकल रट्टाफिकेशन। और इस तरह से जन्म हुआ रैंक, मार्क्स और परसेंटेज का। और तब से लेके अब तक बच्चे इस रिजल्ट की रेस में सबवे सर्फर की तरह बस दौड़ ही रहे हैं। हेलो बच्चो, क्या हाल चाल? जी हाँ, इंट्रो का तरीका थोड़ा कैजुअल है क्योंकि टॉपिक तुम्हें वीडियो का ऑलरेडी पता चल चुका है। टुडेस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय बोर्ड्स वाले बच्चों का दुख, को-स्पॉन्सर्ड बाय बोर्ड्स वाले बच्चों का दर्द, एंड आवर टाइटल स्पॉन्सर बोर्ड्स वाले बच्चों की पीड़ा। जी हाँ, द डी-डे, द डूम्सडे, द अल्टीमेट शोडाउन, द क्लैश ऑफ ग्रेड्स, द एंड गेम, द ग्रैंड फिनाले, और एज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाइक्स टू कॉल इट, द रिजल्ट डे।
मतलब वो दिन जब पूरे साल सोने के बाद रिश्तेदारों की नींद अचानक से खुल जाती है एंड वो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब वो दिन जब सारे टॉपर्स मजे में प्राउड वॉक कर रहे होते हैं और सारे बैक बेंचर्स बेचारे गा रहे होते हैं। वैसे रिजल्ट देखने से पहले सभी बच्चों की हालत कुछ ऐसी होती है। सब्जेक्ट न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। दुनिया के तीन सबसे बड़े स्कैम है, पहला स्कैम 1992, दूसरा विजय माल्या का स्कैम और तीसरा हमारे मम्मी पापा का ये बोलना कि बेटा 10th और 12th कर लो, उसके बाद तो जिंदगी में ऐश ही ऐश है। मम्मी आपने देखी क्या? ऐश पापा वो मेरी ऐश नहीं मिल रही है, आपने देखी क्या? अभिषेक तूने ली क्या मेरी ऐश? ऐश कहाँ है? सबसे पहले तो जिन लोगों के रिजल्ट अच्छे आए हैं कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू, लेकिन जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए कांग्रेचुलेशंस तुम सबको भी, अब बाकियों से कुछ ना कुछ अलग करोगे ना तुम, और अब तुम बोलोगे एक 12th क्लास के रिजल्ट की कीमत तुम क्या जानो ट्रिगर्ड बाबू, शर्मा जी के बेटे का ख्वाब होता है 12th का रिजल्ट, एक परिवार की शान होता है 12th का रिजल्ट। अरे हां हां, मैं गंदे मार्क्स लाने को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस उस मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स की पोटेंशियल जज करने के खिलाफ हूँ। ऑल थ्रूआउट माय लाइफ मुझे ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने अपने 10th 12th में इतना अच्छा नहीं किया एंड दे आर स्टिल डूइंग गुड इन देयर लाइफ, एंड फिर कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अच्छा किया फिर भी यूट्यूबर है। तो मार्क्स, परसेंटेज, रैंक, ये सब सिर्फ नंबर्स है एंड नंबर्स तुम्हारी पोटेंशियल नहीं जज कर सकती, क्योंकि ऐश तो ना ही 95% वालों को मिली ना ही 65% वालों को, ऐश तो अभिषेक जी रहेगा ना। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कितना प्रेशर होता है, एक 12th के बच्चे के दिमाग को अगर निचोड़ के देखा जाए तो उसमें भारी मात्रा में स्ट्रेस, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी का प्रेशर मिलता है, इतना सब आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो मुझे बस ये लगता था कि कहीं से बस डोरेमोन आ जाए अपना एनीवेयर डोर लेके और मैं हिमालय पे जाके संन्यास ले लूं, या गोवा में जाके बीच पे बस जाऊं, या फिर दुबई जाके कोयले की खदान खोल लूं, पैसा ही पैसा होगा। रोज सुबह नाश्ते में आरडी शर्मा, लंच में एचसी वर्मा और डिनर में प्रदीप, ये होता है एक एवरेज 12th स्टूडेंट स्टार्टर पैकेज। और जैसे एग्जाम आने वाले होते हैं वो लोग जो तुम्हारे सगे लगते थे भाई साहब, वो सब अपने रंग बदलने लगते हैं। सांप की ना तीन सबसे डेंजरस प्रजातियां होती है, किंग कोबरा, ब्लैक और तुम्हारे वो दोस्त जो एग्जाम से पहले तुम्हें कहते हैं भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और एग्जाम के बाद इनसे पूछो ना पेपर कैसा हुआ, यार मेरा तो बहुत बुरा पेपर हुआ, 99.9% लेके आ जाएंगे। ऐसी सांप की प्रजातियों से दूर रहिए, सुरक्षित रहिए। सांप से याद आया, वो चार लोग कहां हैं? कौन है? कहां से आते हैं? मतलब कोविड की भी वैक्सीन आ गई लेकिन चार लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है आज तक। ये चार लोग तुम्हें सिर्फ रिजल्ट के टाइम पे दिखेंगे, पता नहीं इनको कहां से खबर मिल जाती है कि बच्चों का रिजल्ट आ गया, सीधा जाते हैं अपने कंपैरिजन शीट लेके, मलहन साहब आपको पता है वो मिसेस गुप्ता की ननद के जठानी के फूफा के कुत्ते के बच्चे के 98% आए। अरे तो मैं क्या करूं, उसके आए होंगे भाई, मैं नहीं उतना होनहार, पास तो हो गया ना। मतलब इनकी माने तो जैसे इंडियन सोसाइटी का कोई ऑफिस होगा जहां बच्चों की मार्कशीट देख के उनके फ्यूचर पे ठप्पा लगाते होंगे। क्या बात कर रहे हो, ऐसा ऑफिस सच में है? अरे मैडम पर मुझे तो रैपर बनने का ना, जेंजी वाले मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, किसी को फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी को रैपर बनना है। Yeah, 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 ye
आज मैं मेरे हिंदुस्तान के भाइयों को इस आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी है और ये आदमी इतनी गर्मी में मजदूरी कर रहा है। आपको कैसा लगता है ऐसे मजदूरी करके? बहुत दुख में है, इतने सदमे में है। देखो दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान के दोस्तों बोल भी नहीं पा रहे। ये वीडियो को इतना शेयर कर दो कि वायरल हो जाना चाहिए। मैं और ये देखो दोस्तों, मैं इसको खाना भी दे रहा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि हमारे मजदूर भाई की इतनी मदद हो जाए कि बस मजा आ जाए। जय हिंद। कट हो गई, कट हो गई। सेलिब्रिटी हूँ, सोशल मीडिया पे लोगों को कस्मे दे दे के अपने फॉलोअर्स बढ़ाता हूँ और लोगों के कमेंट्स में जाके नाइस भी लिखता हूँ और अपने साथ एक गधा भी रखा हुआ है उसके साथ वीडियो बनाता हूँ। हमको फॉलो कर दो, हम देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लॉर्ड को ले लो उसको। टाइम पास में नहीं पूछे, एक्चुअली क्या करते हैं ये पूछ रहे हैं हम। इसके अलावा भी कुछ करना होता है। मार्कशीट डिलीट, 15 नवंबर तक मार्कशीट डिलीट। आपके कैंसिल लग चुका है, जाइए भैया लेके जाइए इसको। अरे कैंसिल कैसे लेके जाएगा? ए बवंडर लाऊंगा, बवंडर औकात काम में चल रही है। अरे लेके जाइए। अरे फॉलो करो मेरे को, आए देखो मार रहे हैं मुझे, मुझको मार रहे हैं। बात बस इतनी है कि तुम चाहे चतुर रामलिंगम जैसे गीक हो या फिर अंकित बयान बोलिया जैसे जिम फ्रीक, तुम्हारे बोर्ड की परसेंटेज लाइफ में बस उतनी ही मैटर करती है जितना बिरयानी में इलायची या फिर इंजीनियरिंग में एक्चुअल पढ़ाई या फिर हेटर्स के कमेंट्स। तो इसी बात पे आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है। 79 एवरी स्टूडेंट व्हेन रिलेटिव्स बी लाइक आगे का क्या प्लान है? जब तुम पूरी रात एक ही टॉपिक पे लगे हुए हो, रटे जा रहे हो और अगले दिन वो पेपर में भी आ जाता है। योर मेमोरी बी लाइक हैंड्स डाउन द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी क्वेश्चन इज जस्ट से 16.5% ऑफ 100 बोल देती हूँ, कूल लगूंगी। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी है मैंने, बट मैथ्स की क्लास स्किप कर देती थी। 16.5% ऑफ 100 कैरियर, और जब उसकी दोस्त ने बोला 15 या 16 तो कैरियर ऑब्वियसली नॉट दैट। एटलीस्ट वो पास तो थी, तू कहाँ 20 पे सोच रहे भाई? मारो मुझे मारो। When her English is a 10, but her IQ is lower than the room temperature. Mike. कहीं पढ़ा था तो बोल दिया, अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो अगली का? इट्स ऑब्वियसली नॉट दैट। नया पांडे पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बढ़िया गया, लिखे बढ़िया से? लिखे नहीं है, बस बढ़िया गया। लिखे नहीं, बिना लिखे बढ़िया गया।
जब लिखे ही नहीं है तो बढ़िया कैसे गया है? नहीं क्या मतलब, अब मैं पेपर दूं भी और उसमें लिखूं भी, पागल हो गया? आप आ गया। A plus B का होल क्यों क्या होता है पता है? यस मैम। छोड़िए ना मैम। बोल रहे हैं पेपर हो गया है खत्म, क्यों बताएं? आपसे पूछा क्या हमने e to the power of minus x square dx का इंटीग्रेशन बताइए from minus infinity to infinity? हम पूछे क्या आपसे? बोले ना पेपर खत्म हो गया है तो क्यों क्यों बताएं हम? A plus B का होल क्यों? A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3 AB square। अरे मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के एग्जाम देने आ गया, यही बहुत बड़ी बात है? मैंने एग्जाम में तो क्वेश्चन के आंसर लिखे नहीं, मैं तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दूं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडी? आई एम प्रीटी श्योर ईडी की फुल फॉर्म 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तुम्हें भी नहीं पता होगा, गूगल करके तुम लिख दो भाई ईडी की फुल फॉर्म होती है Enforcement Directorate. Oh. I'll be honest, man. I had no idea. Eating disorder. भाई, भाई चश्मा लगा के एग्जाम दे रहे हैं। ये है असली सिग्मा। जो चश्मा लगाते हैं वो सिग्मा। Anyways, guys, give this video a thumbs up. I hope you guys enjoyed. I'll see you in the next one. Thanks for watching. मैं दे सच्चाई बताता हूँ। ये शर्मा गई अपनी सच्चाई बतानी थी, जो दो लड़कियां थी वो टोटल तीन लड़कियां घूमने गई थी, उनमें से ये कैमरे के सामने नहीं आई, साइड में खड़ी हो गई थी। इसका तो 50% होता है, 16.5 तो 16.5 ही होगा ना, तेरे को भी नहीं पता था, सच बता दे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये कौन सा तरीका होता है क्वेश्चन अवॉइड करने का भाई? ये वाला। ओह 79। बच्चों के लिए आई फील सॉरी कि बच्चे पहले पेपर भी दे के आए फिर बाहर आके दोबारा पेपर दे यार। ये अच्छी बात नहीं है, बेचारा टेंशन का माहौल होता है। और ये होता है जिसे तुम इतना रट लेते हो ना, कई बार याद नहीं होता। कई बार याद नहीं होता भाई। देखो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं था वो पता नहीं, लेकिन मैं रट्टे में बड़ा मस्त था। अगर मैंने रट लिया ना तो मैं एग्जैक्ट वही टेप के आ जाता था। रोस्ट होगा तो इतना रोस्ट भी नहीं तो इसलिए इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा, बट ओके हो सकता है जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हम तो निकल लिया भाई तो हमें। तो गाइस आई होप कि आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो या फिर इनकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।